योर वाच मैथमेटिक्स क्लास एंड एक्सरसाइज डिस्काउंट ओके दिस इज माय थर्ड पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज सो हियर क्वेश्चन नंबर 7 हाउ मच परसेंट अबव द सीपी शुड द शॉपकीपर मार्क इट गुड सो दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द एमपी ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 8%। तो इसमें हमें ये पता करना है कि वो सीपी के ऊपर में कितना वो परसेंट बढ़ा रहा है ओके उसके बाद वो डिस्काउंट 10% दे रहा मार्क प्राइस के ऊपर जिससे उसका प्रॉफिट क्या हो 8% हो। तो मैं एक काम करता हूँ लेट ओके मार्क प्राइस बी क्या मान लिया एक्स ये मैंने मार्क प्राइस किसको माना है द प्राइस अबव सीपी जो सीपी का ऊपर का जो प्राइस है जो जो बना के जो स्टिकर मारा है अब वो दुकानदार के लिए ये क्या बन गया मार्क प्राइस बन गया। अब उसके ऊपर उसने डिस्काउंट कितना परसेंट दिया 10% डिस्काउंट दिया तो फिर सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 100 माइनस 10 अपॉन 100 इंटू एमपी ओके तो सेलिंग प्राइस हमें मालूम नहीं है 90 अपॉन 100 इंटू एमपी क्या है एफ तो कितना आंसर आ गया इसमें 9/10 एफ तो ये हमारा क्या आ गया सेलिंग प्राइस ओके। तो ये फर्स्ट केस में मैंने क्या निकाल दिया सेलिंग प्राइस निकाल दिया फिर बताएगा ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 8% तो यहाँ लिख दो ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% सॉरी 8% है ओके 8% तो इसका मतलब ये प्रॉफिट परसेंट हो गया ये एसपी हो गया क्या निकालना मुझे सीपी निकालना ओके फिर आ जाओ वी नो सीपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू व्हाट एसपी तो सीपी इक्वल टू 100 सो 100 प्लस 8 इनटू 9 अपॉन 10 तो कितना आ गया नाइन वन जा नाइन टू जा ओके तो 2 5 10 2 6 12 तो ये हमारा क्या बन गया सीपी तो ये हमारा क्या है सीपी में उस दुकानदार को ने इतना में खरीदा है जबकि उसने स्टिकर लगाया कितने का एक्स ओके तो हम क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे क्या निकालेंगे डिफरेंस कैसे निकालेंगे डिफरेंस तो ये बड़ा है ये छोटा है तो x माइनस 5/6 है सवाल करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा x अपॉन 6। अब इसके ऊपर क्या निकालने को बोला परसेंटेज तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज देखो परसेंटेज इक्वल टू x अपॉन 6 बाय क्या हो जाएगा 6 इंटू वन दिस ओके तो 6 काट दो x काट दो सवाल करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा परसेंटेज 20% अबव कॉस्ट प्राइस आ गया ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक दुकानदार है वो लगातार दो बार डिस्काउंट दे रहा है 10% एंड 8% के ऊपर में मार्क प्राइस के ऊपर तो मार्क प्राइस कितना 4600 तो हमें क्या निकालना है एसपी तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे डिस्काउंट डिस्काउंट मतलब पहला डिस्काउंट हो गया 10% सेकंड डिस्काउंट हो गया 8% और सेलिंग प्राइस हमें मालूम नहीं है मार्क प्राइस हमें क्या है 4600 है ओके जो लगातार दो डिस्काउंट दिया रहे तो इसका फॉर्मूला याद रखोगे वी नो एस पी इक्वल टू 100 माइनस डी वन इंटू 100 माइनस डी टू इंटू वन मार्क प्राइस तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 माइनस डी वन मीन 100 माइनस 10 अपॉन 100 100 माइनस 8 अपॉन 100 इंटू 4600 ओके तो कितना आ गया 90 अपॉन 100 92 अपॉन 100 4600 ओके तो ये डबल जीरो काट दो
जीरो, ये भी कट गया। ओके अब क्या आ गया देखो, 9 × 92 × 46 बाय व्हाट 10। इनको हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो देखते हैं इंटू करके किस नाइन सर आते हैं। 9 × 2 = 18, 9 × 9 = 81, 82। ओके नाउ 46, 6 × 8 = 48, 12 × 16 = 149, 4 × 32 = 11, 32 = 33। ओके तो कितना आ गया, 8 8 0 8 3। तो ये हमारा आंसर आता है 3 8 0 8 8 upon what 10। 10 है नीचे, जब जीरो हटा के जहाँ पॉइंट लगा लेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या बन गया, 3,880 पैसे। तो दिस इज आवर आंसर। ओके तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, तो आई होप सो यू विल डू इट एट होम। तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम बात करेंगे टैक्स को ऊपर में, बस दिमाग में रखोगे इसमें हम माइनस करते हैं तो टैक्स में क्या होगा, प्लस करेंगे। तो ये हम अगले क्लास में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक बाय बाय।